Hello, welcome everyone. My name is Preeti Tripathi. Again, I welcome your channel. Okay, today I have a new topic for you. The topic name is prepositions. Okay, the new topic is prepositions. ठीक है. So before starting this topic, मैंने आपको last video में आपको मैंने करवाया था articles, करवाया था definite article, a and the, right? तो वो आपने आपको बोलते कि आपको सॉल्व करके मुझे बताना. ठीक है, तो वैसे हम ये भी करेंगे. आप थोड़ा उसका ग्लिम्प्स दे दूंगी, थोड़ा एक्सरसाइज करवा दूंगी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर बाकी आपको खुद से ट्राई करके करना है. आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं, राइट. सो द टॉपिक इज प्रीपोजिशन. द मीनिंग ऑफ टॉपिक इज प्रीपोजिशन. वो वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स द नाउन और फ्रेज, जो कनेक्ट करते हैं नाउन को. ठीक है, दैट कनेक्ट द नाउन और प्रोनाउन, मतलब सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं दो भागों में. ओके, उसे बोलते हैं प्रेपोजिशंस. बताते हैं कि वो उसकी सेंटेंस की पोजिशन बताता है कि कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है. तो उस वे कनेक्ट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशंस. ठीक है, वो यहाँ पे दिया है. ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और अ फ्रेज, वर्ड है या फ्रेज है, दैट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन मतलब किसी भी नाम या प्रोनाउन, मीन्स ही शी, वो प्रोनाउन होता है, राइट, टू द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस को जब कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्रीपोजिशंस. ओके, मतलब पोजिशन बताने के लिए बोलते हैं प्रीपोजिशन. गॉट इट. इसमें प्रीपोजिशंस क्या है? एट, बाय, फॉर, देन, ऑन. ठीक है, विद, अबव, अक्रॉस, अलोंग, इनसाइड, आउटसाइड, ओवर, अंडरनेथ, विद इन, एटसेट्रा. इसके अलावा और भी है, इसमें कुछ ही दिए गए हैं. जहाँ भी आपको ऐसा वर्ड दिखता है जो आपके सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है या आपके फ्रेज को कनेक्ट कर रहा है, उससे आप बोलोगे प्रीपोजिशन. इन, आउट, अप, डाउन, राइट. ठीक है, नेक्स्ट विल सी द फ्यू एग्जाम्पल्स. गॉट इट. एग्जाम्पल है, द बॉय एट द चिप्स दैट वर लाइंग ऑन द प्लेट. ठीक है, एक बॉय ने चिप्स खाया. ठीक है, अभी ये द क्या आ गया, मैंने आपको पहले लेक्चर में करवाया था. डेफिनेट आर्टिकल आ गया है, द चिप्स डेफिनेट आर्टिकल है, द आया, ए आएगा नहीं, ए क्योंकि एक चिप्स तो नहीं होगा, द चिप्स. ओके, ये आपको डेफिनेट आर्टिकल है. ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर दे रही हूँ मैं. द बॉय एट द चिप्स दैट वर लाइंग ऑन द प्लेट. अभी आपको मुझे बताना है चिप्स कहाँ पे थे. आप जब आपको प्रीपोजिशंस आपको जब समझना है चिल्ड्रेन, सो मेक श्योर दैट रीड द सेंटेंस ट्वाइस एंड थ्राइस. आप सेंटेंस को जितनी बार पढ़ोगे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना बढ़ते जाएगा, राइट. तो इसमें दिया है, एक लड़के ने चिप्स खाया. दैट वर, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, दैट वर बीत चुका है, लाइंग फैला हुआ था, द प्लेट कहाँ पे था वो, ऑन द प्लेट, प्लेट के ऊपर था. इन द प्लेट क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग, वाई विल नॉट यूज इन प्रीपोजिशन हियर, क्योंकि प्लेट के अंदर नहीं जाएगा, वो प्लेट के ऊपर था चिप्स. ओके, तो वो यहाँ पे ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कि चिप्स की पोजिशन बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑन आ गया. ओके, गॉट इट. सो आई हैव जस्ट अंडरलाइन इट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये हमारा प्रीपोजिशन है बिकॉज इट टेल्स द पोजिशन ऑफ द चिप्स. ओके, विच द बॉयज एट इन. The necklace was placed around her neck. Necklace was placed. Necklace पहना था एक लेडी ने, around her neck. कहाँ पहना था उसने, her neck. Okay? Necklace was placed around her neck. तो यहाँ पे आपका her के नीचे आपको underline करना है, क्योंकि कहाँ पहना है उसने, neck में. Okay? ये हो गया preposition. उसकी position बता रहा है वो. ठीक है, then solved examples next दिया है. फिल इन द ब्लैंक्स. ऐसे आपको सारे करने हैं. ऐसा तो आपको बहुत रेयर आएगा, मोस्टली आपको इन, ऑन, इट, इज, ऐसा आएगा. प्रोनाउंस के आपके बहुत कम आते हैं, बट मोस्टली आपको इज, एट, ऑन, ऑन, बाय, दी, फ्रॉम, देन. ओके, ये सारे बिहाइंड, अबव, अंडरनेथ, ये सारे आपको प्रीपोजिशन आएंगे. ठीक है, ऐसे बात आपको रेयर आते हैं, बट फिर भी अगर आया, सेंटेंस को आपको पढ़ो, आपको सेंटेंस से क्या समझ में आता है कि उस चीज़ की पोजीशन कहाँ पे है, दैट विल बी योर प्रीपोजिशन. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रीपोजिशन. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड देन विद अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू चूज द करेक्ट ब्लैंक्स. ओके, द ब्रेसलेट वॉज प्लेस्ड, सिक्योरली प्लेस्ड, डैश, इट्स कवर. ब्रेसलेट को अच्छे से रखा गया था कहाँ पे, कवर के कहाँ पे, इन, कवर के अंदर ही जाएगा, तो इन इट्स कवर, इन यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अलका सैट डैश हर सिक चाइल्ड. ओके, अलका सैट, अलका बैठी, अलका एक लेडी का नाम है. सैट डैश हर सिक चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ, पास, तो क्या लिखेंगे, अलका सैट, सैट मीन्स पास्ट टेंस हो गया है,
बिसाइड और सिक चाइल्ड, बिसाइड एक प्रीपोजिशन है, मैंने आपको ऊपर दिखाया है, ठीक है, विद भी आ सकता है, बिसाइड भी आ सकता है, बाय भी आ सकता है, ठीक है, विद भी आ सकता है, बिसाइड भी आ सकता है. सो आई विल यूज हियर बिसाइड हर सिक चाइल्ड, या मैंने दिया है, ओके, बिसाइड हर सिक चाइल्ड, अपने बेटे के साथ में या बाजू में बैठी थी, बिसाइड मीन्स बाजू में, तो ये भी आपका एक प्रीपोजिशन है, गॉट इट. रेशमा सैट बिसाइड हर सिक चाइल्ड, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया बस. टॉकिंग डैश अदर्स डैश देयर बैक्स इज वॉट आई डिसलाइक, किसी के बारे में पीठ पीछे बात करना बहुत गलत है. टॉकिंग डैश अदर्स, टॉकिंग अबाउट, अबाउट भी प्रीपोजिशन है, किसी के बारे में, टॉकिंग अबाउट अदर्स डैश देयर बैक, डैश बैक मतलब बिहाइंड, तो बिहाइंड देयर बैक इज वॉट आई डिसलाइक, मुझे किसी के पीठ पीछे बात करना पसंद नहीं है, तो बिहाइंड और अबाउट भी क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया है, ठीक है. नेक्स्ट, द ओल्ड मैन सैट डैश द शेड ऑफ द बनियन ट्री टू गेट सम रेस्ट, अभी एक बूढ़ा आदमी है, उसने कुछ सेल किया और पेड़ के कहाँ बैठेगा रेस्ट करने के लिए, ऑन द ट्री बैठेगा क्या, पेड़ के ऊपर, नो, ट्री के नीचे मतलब अंडर, ओके. द ओल्ड मैन सैट अंडर द शेड मतलब ट्री के नीचे बैठा, छाव में बैठा, टू गेट सम रेस्ट, ओके. नेक्स्ट, नीना एंड हर फैमिली लिव डैश आवर हाउस, नीना और उसका फैमिली है वो कहाँ रहते हैं, अपने घर के अंदर, तो अंदर के लिए घर के यहाँ रहते हैं, नियर आवर हाउस, नियर भी क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि हाउस की पोजिशन बता रहा है कि नीना और उसकी फैमिली कहाँ रहते हैं, हमारे घर के पास में रहते हैं, तो हाउस की पोजिशन बता रहा है, यहाँ पे नियर अपना प्रीपोजिशन यूज़ किया है, ठीक है, ठीक है चिल्ड्रेन. सो ये जो हमने प्रीपोजिशन यूज़ किया है नियर और यहाँ पे बिहाइंड, ये आपको सेंटेंस देख के आपको मालूम पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सेंटेंस को दो बार तीन बार पढ़ना है, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो, लिख सकते हो, बट बेसिक प्रीपोजिशन आपको यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है, जो आपके सेंटेंस को ज्वाइंट करता है उसे ही बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है. नेक्स्ट, we'll see, we have the exercise over here, practice exercise, fill in the blank with suitable preposition, you have to again choose the correct prepositions, then we'll just do the exercise. Amit was never able to recover dash financial crisis, crisis means problem, Amit ek boy ka naam hai, he was unable to cover his financial, he was unable to solve his financial problem, okay, so Amit was never able to recover dash financial crisis, kya jo kaun sa aajega, from, या फ्रॉम, ओके, फ्रॉम तो आंसर है, इन लगा सकते हैं क्या, विद लगा सकते हैं क्या, तो आपको देखने कौन सा सूटेबल है, तो फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस के, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसका मनी मैटर वो सॉल्व नहीं कर पाए, राइट. नेक्स्ट, द कुलकर्णी स्टेड इन द फ्लैट राइट डैश आवर्स, राइट, जो कुलकर्णी फैमिली है हमारे फ्लैट में रहते हैं, जस्ट कहाँ रहते हैं, अबव आवर्स, हमारे ऊपर, राइट, यहाँ पे नियर भी कर सकते, नियर आवर, ओके, बिसाइड आर हमारे बाजू में, अबव भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, ओके, यू कैन यूज एनी अदर प्रीपोजिशन ऑल्सो वो ही, ओके. नेक्स्ट, ए मैन इज नोन डैश द कंपनी ही कीप्स, ए मैन को जाना जाता है उसकी कंपनी की वजह से, तो कंपनी की वजह से क्या आ जाएगा, बाय, कि जब किसी के द्वारा करवा रहे, किसी के पहचान करवा रहे किसी के द्वारा, तो बाय आ जाएगा, क्या बताइए, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, वो अपनी कंपनी को जैसे रखता है वैसे मैन को जाना जाता है, तो बाय पोजिशन यूज किया गया, राइट. तो यहाँ पे आपका सेंटेंस कौन जोड़ रहा है, बाय आपके सेंटेंस को जोड़ रहा है, अगर आपको वैसे भी हार्ड लग रहा है ऐसे भी देख सकते हो आप, ए मैन इज नोन, एक आदमी को जाना जाता है, वन सेंटेंस ओवर, बाय द कंपनी ही कीप्स, वो जैसे अपनी कंपनी को रखता है, तो बाय आपके दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये भी एक आप ऐसे ही पता कर सकते हो, ये मेरा प्रीपोजिशन हो सकता है जहाँ पे आपके सेंटेंस कनेक्ट होते हैं, ओके. नेक्स्ट, विल सी, देयर सीम टू बी नो डैश कम्युनिकेशन अस, यहाँ पे बहुत दिनों से हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, देयर सीम टू बी नो कम्युनिकेशन डैश अस, हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं, मतलब बीच को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बिटवीन अस, सो हियर वी हैव द बिटवीन अस, हमारे बीच में बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो बिटवीन अस हमारे सेंटेंस को ज्वाइंड कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग भी है और आपको समझ के भी लिखना है, दोनों वैसे आप इसको कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट, विट्टल वॉज लीस्ट बॉदर डैश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, विट्टल वॉज एन इज अ नेम ऑफ पर्सन, ही वॉज लीस्ट बॉदर अबाउट हिज फैमिली दैट इज हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रेन, ओके. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विट्टल वॉज लीस्ट बॉदर, तो कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाएगा,
फॉर हिज वाइफ आएगा क्या? नो. इन हिज वाइफ, एट हिज वाइफ, बिसाइड हिज वाइफ, नो. तो विच प्रीपोजिशन विल कम? अबाउट हिज वाइफ, मतलब अपनी वाइफ के बारे में वो कंसर्न नहीं था. अबाउट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, सारे प्रीपोजिशन आपको लगा के देखने हैं. यू फील विच वन इज द करेक्ट वन, दैट ओनली यू हैव टू यूज. ओके, अगर आपको सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो बाकी मतलब देख के आप समझ जाओगे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा. इज आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, आप देख के समझ जाओगे. द बेबी स्पिल्ट द मिल्क ऑल डैश द बेड. एक बेबी ने दूध गिरा दिया पूरा. कहाँ गिराया? बेड पे. कहाँ गिराएगा? इन द बेड गिराएगा क्या? नो. तो बेड के ऊपर गिराया, इधर ऑन द बेड, ओवर द बेड. ओके, तो इधर आई हैव रिटन हियर ओवर द बेड, बेड के ऊपर गिरा दिया, राइट? ओके, वन हैज टू वॉक डैश रिवर टू रीच आवर विलेज. अभी एक आदमी को वॉक करना है. वन पर्सन हैज टू वॉक डैश, क्या आ जाएगा? डैश रिवर. तो कौन सा रिवर क्रॉस करना है, तो कौन सा आ जाएगा? जब भी ऐसा कुछ आए, क्रॉसिंग का आपको आ जाए, तो आपको आग बन के आपको यूज करना है अक्रॉस द रिवर. मतलब एक को क्रॉस करना है, चलना है कहाँ तक? रिवर क्रॉस करते करते अपने गाँव तक पहुँचना है. अक्रॉस द रिवर टू रीच आवर विलेज. ओके, नेक्स्ट, टी इज बेस्ट हैड डैश सम टेस्टी स्नैक्स. टी इज अ बेस्ट, एक जो चाय है वो बेस्ट होती है किसके साथ? तो क्या आप किससे लगा सकते हो? इज लगा सकते हो, एट लगा सकते हो, नहीं. क्या लगा सकते हो? बाय? नो. विथ के साथ, विथ सम टेस्टी स्नैक्स, साथ दिखाने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए. हम लोग क्या कौन से प्रश्न यूज कर रहे हैं? विथ. टी का बेस्ट होती है अगर कोई इसको स्नैक्स के साथ खाए, तो साथ में विथ सम टेस्टी स्नैक्स. ओके, नेक्स्ट लास्ट वन वी हैव, शी प्लेस्ड हर हैंड डैश हिज फोरहेड टू चेक इफ ही वॉज इल. उसने उसका सर पे हाथ रखा टू चेक वेदर शी इज नॉट गुड और शी इज गुड, शी हैज अ फीवर और नॉट. तो कहाँ पे हाथ रखेगा? इन हाथ रखेगा क्या? एट हाथ रखेगा क्या? फीवर चेक करने के लिए हाथ कहाँ रखेंगे? ऊपर. तो ऊपर कौन से प्रीपोजिशन बोलते हैं? ऑन. तो इधर वी हैव द ऑन हेयर. ओके, शी प्लेस्ड हर हैंड ऑन हिज फोरहेड, सर पे हाथ रखा टू चेक इफ ही वॉज इल. उसने सर पे हाथ रख के चेक किया उसको बुखार था कि नहीं था. सो दिस वॉज ऑल द प्रीपोजिशन चिल्ड्रेन. इट्स वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू रीड द सेंटेंस ट्वाइस एंड थ्राइस. मेक श्योर आफ्टर रीडिंग सेंटेंस विच वर्ड इज सुटेबल, राइट ऑल द वर्ड, देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट प्रीपोजिशन. रैंडमली डोंट राइट द आंसर्स. ओके, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स है जैसे ओवर हो, अक्रॉस हो गया, ओवर हो गया, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए. आपको ओवर सेंटेंस पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. बाकी इज, एट, ऑन, इन, बिसाइड, ये सारे ईजी है. सो वी हैव हाउ मेनी प्रीपोजिशन हियर? दिस यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. वी हैव द प्रीपोजिशन लाइक इन, ऑन, टिल, विद, अबव, अक्रॉस, अलॉन्ग. अलॉन्ग मीन्स किसी के साथ. इन साइड, आउटसाइड, ओवर, अंडरनीथ मतलब नीचे, और अंडर और विद इन किसी के साथ. ओके, विद इन मीन्स कुछ दिनों में. ओके, तो ये सारे प्रीपोजिशंस हैं. इसमें से मोस्टली कौन से प्रीपोजिशन आते हैं? आउट, इन, टिल, विद, अबव, एट, ये सारे प्रीपोजिशन आपको मोस्टली आते हैं. बट आपको सारे याद करने पड़ेंगे, सेंटेंस द्वारा पढ़ोगे आपको ईजी लगने लगेगा. दिस वॉज द प्रीपोजिशन टॉपिक. ओके, सो मेक श्योर जस्ट डू द प्रैक्टिस एट योर होम. इफ यू ओके फर्दर विल सी. ओके, सो मेक श्योर डू द प्रैक्टिस एट योर होम. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन, जस्ट लेट मी नो माई कमेंट बॉक्स. आपके बुक्स में ऐसे बहुत सारे और भी सेंटेंस हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली आपको आ जाएगा प्रीपोजिशन क्या है. ठीक है, एंड बोथ द टॉपिक यू हैव टू सी वंस एंड राइट द आंसर्स करेक्टली. मैंने इसमें आपको एक्सरसाइज भी दिया है और इसमें आपको फिर से आपको सॉल्व करना है ये. ठीक है, 80% क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दूसरा टॉपिक सिखाऊंगी. इफ़ यू लाइक माई चैनल, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.